ओ वेलकम शुभम ऑन माय चैनल। एंड बहुत बहुत थैंक यू कि आपने एक बारी में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली एंड आप आ गए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू। सो माय ऑडियंस, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट शुभम हैज स्टार्टेड हिज यूट्यूब चैनल सिंस लास्ट 2 ईयर्स आई गेस। तो 2 या 2 साल से थ्री पहले, इयर्स 3 ईयर्स, हाँ जी यस हाँ 3 ईयर्स। जी तो मेरा जब सीए जर्नी स्टार्ट हुआ था तो मैंने शुभम को स्टार्ट किया था फॉलो करना। शुभम वन ऑफ द लाइक उन्होंने सबसे पहले सीए वाले स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स ने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल, उसमें ये पहले थे, वन ऑफ देम, राइट। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तब से आई वॉज फॉलोइंग हिम और इनके वीडियोज आई वॉज सीइंग एंड अभी भी आई वॉच हिज वीडियोज एंड आई होप आप सभी भी देखते होंगे। और इनका जो बाप्स मोटिवेशन वाला वीडियो था, वहाँ से ज़्यादा इनका सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ा हुआ था। तो आप तो शुभम को जानते ही होंगे, मुझे भले ही ना जानते हो। तो अभी शुभम मेरे चैनल पे आए हैं एंड आज हम लोग बात करेंगे सीए से रिलेटेड थोड़ा बहुत, बट ज़्यादातर हमारी बातें होंगी इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से। सो थैंक यू शुभम, आप कुछ कहना चाहोगे? मुझे बहुत मजा आ रहा है ज्वाइन करके। मतलब कि मुझे ना अच्छा लगता है जब कोई कोई स्टूडेंट होता है, लाइक स्पेशली लाइक सीए स्टूडेंट है, तो वो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता है। जैसे आपने ट्राई किया, आप मतलब कि कंटेंट बड़ा अच्छा डाल रहे हो यूट्यूब पर। लाइक अभी आपने डालती ITTOC वाली, मैंने देखी पूरी। और मतलब कि कहने का मतलब ये कि स्टूडेंट को ना थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी जाना चाहिए। ये नहीं कि कोई स्टूडेंट है या फिर सी स्टूडेंट है तो वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर कुछ कोई और चीजें एक्सप्लोर नहीं कर रहा। तो अच्छा लगता है जब बंदा ना एक्सप्लोर करता है चीजों को। तो मेरे को पहले लगा था आपका नाम अनुष है, बट अब आपने बताया कि आपका नाम अनुष्का है, तो ये भी आज पता चला। तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ इंटरव्यू करके। और अभी देखते हैं क्या क्या होने वाला है आज मेरे साथ। नहीं, बहुत मजेदार सेशन। सो जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात हुई तो इसी से शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो जैसे आपने कॉलेज नहीं की तो आप क्या क्या मिस करते हो रेगुलर कॉलेज के बारे में, उससे स्टार्ट करते हैं। कॉलेज देखो मिस करना, आप जैसे मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज में देखता हूँ सबके फेस्ट चल रहे हैं, एनुअल फेस्ट हो रहा है और आप क्लब्स बनते हैं कॉलेज में, और जैसे आपने बताया कि थिएटर वगैरह, तो ये सोसाइटीज वगैरह ये सब मैंने एक्सपीरियंस नहीं की है, तो थोड़ा बहुत मिक्स मिस तो करता हूँ। पर आई थिंक अगर देखो मेरे हिसाब से मेरा लाइफ का मोटिव था कि मुझे बस स्कूल मतलब 12th के बाद ये था कि अपना खर्चा पानी खुद निकालना है। मेरा तो मकसद ये था। अब वो पूरा हो चुका है, तो ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि कॉलेज मैंने मिस कर दिया तो बहुत कुछ मिस कर दिया। मतलब कि ठीक है, अब जो कॉलेज जो जो बंदा कॉलेज जाता है तो उसको ज्यादा मजा आता है। अब मेरे को पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, बट मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। देखो नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मिस तो करता हूँ मैं, मिस तो करता हूँ मैं, सी बात तो है। इस पे जैसे आई वुड लाइक टू गिव माई पॉइंट कि सिंस हम कॉलेज कर रहे हैं तो आप वैसा कुछ भी मिस नहीं करते हो। कोविड के बाद कॉलेजेस भी उतने एक्टिव नहीं है, फेस्ट बहुत कम होने लगे। तो हम लोग सिंस कोविड के बाद वाली बैच है तो मिस करने जैसा वैसा कुछ नहीं है। हाँ, और कॉलेज लाइफ की तो अटेंडेंस वगैरह रहता है तो वैसे भी चीजें नहीं हो पाती, पढ़ाई ज्यादा होती है, फेस्ट तो कभी कभी होता है तो पढ़ाई पे हम लोग ज्यादा ध्यान, तो वो सारी चीजें चलती रहती हैं। मस्ती तो ऑफकोर्स वो आपके अगर फ्रेंड्स होंगे आपके सोसाइटी में भी, घर वाले सोसाइटी, कॉलेज सोसाइटी, तो फ्रेंड्स बस चाहिए होते हैं। वो हमारे कॉलेज में होते हैं, वो आपके जो भी स्कूल के फ्रेंड्स होंगे आप उनके साथ एंजॉय करते होंगे, तो वो सारी चीजें। एक चीज जो मिस होती है वो होती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो सीए स्टूडेंट जाता है, तो इधर बहुत ज्यादा मतलब उसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी नहीं डेवलप होती है, वो बोल नहीं पाते कितने लोगों के सामने। अब आपने YouTube स्टार्ट किया तो आप धीरे धीरे डेवलप किए, और आपने आई आई रिमेम्बर कि आप ना अपने वीडियोस में भी आप बोल चुके हो कि विथ टाइम मैंने इम्प्रूव किया है, अब मैं ज़्यादा अच्छे से बोलने लगा स्टार्टिंग के वीडियोस सही में, बात है। तो वो कॉन्फिडेंस आप में आया है। बट जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, ना ही कॉलेज कर रहे हैं, ना ही ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहे हैं, वो ये सब मिस कर रहे हैं, तो वो वहाँ लैग कर जाते हैं बच्चे। एंड मैं भी ये कहना चाहूंगी एंड शुभम भी यही कहना चाहते हैं कि ऑल द सीए स्टूडेंट्स शुड एटलीस्ट डू समथिंग लाइक फ्रूटफुल जिससे उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो।
जरूरी नहीं कि यूट्यूब ही हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो स्पीचेस कॉम्पिटिशन्स में आईसीआई के पार्ट लेना, या ऐसे भी स्कूल बहुत कॉम्पिटिशन अपना भी करता रहता है बच्चों के लिए, बहुत सारे स्कूल्स में होता है, वो सारे में पार्ट लेना, और कुछ भी बस फैमिली में भी एक्टिव रहना, ओपिनियन अपना रखना सबके सामने, तो वहां से छोटी छोटी चीजें आती हैं. तो माई पॉइंट ऑन इट. ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई सी ए हाँ इसमें जी हाँ अच्छेगा, जी बिकॉज आपने पहले भी बहुत जगह बताया है, बट जस्ट बहुत शॉर्ट में कि क्यों सी ए किया, और मेन क्वेश्चन इज जिस रीजन से आप सी ए ज्वाइन किए थे, मतलब जो आपके दिमाग में था कि सी ए की लाइफ ऐसी होती है, सी ए की लाइफ वैसी होती है, जो आपने ज्वाइन करने के पहले इमेजिन किया था, क्या अभी भी आपका वही पर्सपेक्टिव है सी ए को लेके और सी ए के लाइफ को लेके, क्या वो चेंज हुआ उस पर? देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैंने सीए क्यों चूज़ किया। तो सीए मैंने इसलिए चूज़ किया, जैसे मैंने आपको बताया कि 12th खत्म हुई थी, तो उसके बाद मेरे को था कि मुझे करना क्या है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या है। तब मेरी बहन सीए कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि देख ले, सीए फाउंडेशन दे के देख ले कि सब्जेक्ट्स भी इजी इजी थे, 11th 12th वाले थे, और मैं थोड़ा स्कूल में भी थोड़ा अच्छा ही रहा हूँ, मतलब टॉपर की कैटेगरीज में ही रहा हूँ। तो मैंने सीए ज्वाइन कर ली, और सिर्फ दो रीजंस की वजह से किया था। एक तो सोशल स्टेटस, जो आपको भी पता है, सोशल स्टेटस की वजह से, प्लस मनी की वजह से। तो इन दो चीजों की वजह से चूज किया था, प्लस मेरी बहन ने बोला था, तो उस वजह से मैंने सीए ज्वाइन किया। मेरा कोई ऐसा कोर वो सपना नहीं था कि बचपन से, कि मैंने बचपन में देख रहे थे कि मुझे सीए ही बनना है। नहीं भाई, मेरा कोई ऐसा नहीं था। तो ये था। दूसरा था कि सीए को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, तो डेफिनेटली हुआ है। सीए ज्वाइन करने से पहले मेरे को लगा था, भाई साहब क्या लाइफ होगी, आर्टिकलशिप में तो मजा ही आ जाएगा, सब लोग इतने अच्छे होंगे, कलीग्स इतने अच्छे होंगे, और फर्स्ट टाइम में ही सारे निकाल दूंगा मैं तो, क्योंकि मैं तो हूं ही अच्छा। तब पता है मैंने सब्जेक्ट्स वगैरह इतने डीपली देखे नहीं कि सब्जेक्ट्स होते क्या क्या है। टैक्सेशन वगैरह मैंने इतना देखा नहीं, बस ये था कि बस मैंने सीए फाउंडेशन देखा था। सीए फाउंडेशन मैथ्स है कर लूंगा, इंग्लिश है वो भी कर लूंगा, वो सब कर लूंगा। बट फिर जब मैं इंटर में आया, तब पता चला यार ये तो सीन ही अलग है। मतलब कि मतलब पूरे 7 8 महीने प्रिपेयर करने, 8 सब्जेक्ट्स, और बिल्कुल ही, और सारे सब्जेक्ट्स इतने बड़े बड़े हैं, सबकी कोचिंग चलती है 2 2.5 महीने। मैंने कहा भाई ऐसे, ये तो बड़ा मुश्किल है। और जब मैं आर्टिकलशिप मैंने ज्वाइन करी, तो आर्टिकलशिप में मेरा पहले ऐसा था कि बहुत मजा आएगा, अच्छा अच्छा काम होगा। फिर जब मैं पहले दिन गया, थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि क्या होता है, तुम नए नए होते हो और बाकी सबको काम आता है, तो तुम्हें थोड़ा ना अजीब लगता है कि यार बाकी सब तो कितने फटाफट काम कर रहे हैं, और मेरे को कुछ इतना आइडिया नहीं, अभी शॉर्टकट कीज मेरे को इतनी पता नहीं है एक्सेल में। तो थोड़ा वो होता है कि नर्वसनेस कह लो, या फिर कैसे कोप अप करूंगा। तो और बहुत सारे ना कलीग्स ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब क्या बोलो, कि समझते नहीं है इसको, कि ऐसा लगता है कि बार बार क्यों आ रहा है मेरे पीछे पीछे, जो सीनियर्स होते हैं। तो देखो, लाइफ तो मैंने जैसी इमेजिन करी थी कि सीए में ऐसा ऐसा होगा, तो वैसा तो है नहीं, बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। और सीए बन, और पहले जो मैंने सोचा था कि सीए बन के क्या क्या होगा, वो अब रियलाइज हो रहा है कि शायद वो मैंने गलत सोचा था, या फिर मतलब हो सकता है, पर सीए बनने के जस्ट बाद नहीं हो सकता। लाइक मैंने सोचा था कि सीए बनने के बाद जस्ट मेरे पैकेज लग जाएगा, बहुत बढ़िया, मतलब करोड़ में फोड़ दूंगा मैं तो सीए बनते ही। मेरा ये मतलब माइंड में बैठ गया था, पर अब रिलाइज हो रहा है कि नहीं भाई, टाइम लगता है उसको। और अगर आप जॉब में जा रहे हो तो, जॉब में जा रहे हो तो करोड़, वो भी वो होगा जो बिग कंपनीज का ऑडिट कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, और इंडिविजुअल तो नहीं हो पाएगा। अगर तुम टीम में हो तभी हो पाएगा, लाइक अगर तुम्हारी फर्म है कोई, तभी तुम कर पाओगे। तो पर्सपेक्टिव तो देखो होता ही है, चेंज ही होता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना वैसा कभी नहीं होता। अगर मैं कुछ भी प्लान करूँ ना, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होगी चीजें, डेफिनेटली नहीं होंगी। पर अगर हम प्लान ही नहीं करेंगे ना, तो जो चीज हुई है ना वो भी नहीं होगी। जैसे अगर मैं लंबा तो नहीं हो रहा, नहीं नहीं बिल्कुल जैसे मैंने मैंने अपनी बहन की प्री वेडिंग शूट करी थी अभी, प्री हाँ वेडिंग, उनकी शादी हुई थी। तो मैंने प्लान किया था कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा जयपुर में, कि पहले वहां जाऊंगा, फिर वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ, तो
तो मैंने उसी टाइम कुछ चेंज करके फटाफट से कुछ शूट किया। तो हाँ जो हम सोचते हैं ना कि हम ऐसा ऐसा कर लेंगे, तो वैसा तो होता नहीं है। पर अगर हम सोचेंगे नहीं ना कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, तो जो चीज हुई है ना वो भी नहीं हुएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये ये तो पॉइंट मैंने देखा है। हाँ मैंने जी, एक हाँ शायरी जी, हाँ में जी, सुनी थी कि अभी वो शायरी मेरे को पता नहीं मैं सुनानी चाहिए कि नहीं, बट उसका क्रक्स सुना दूंगी कि पता नहीं होता है हमें ना कि चल इस पर्टिकुलर रास्ते पे हम लोग चले कि ना चले या कैसे चले, तो एटलीस्ट हम लोग को कदम बढ़ाना चाहिए। ये नहीं पता कि हम लोग सही मंजिल पे पहुंचेंगे, लेकिन कम से कम आगे जाके हम लोग को ये अफसोस नहीं रहेगा कि हमने कदम ही नहीं बढ़ाया। वॉट इज योर मेन मोटो ऑफ लाइफ, या आप कह सकते हो आप कौन सा एक प्रिंसिपल होता है ना जिसपे हम लोग चलते हैं, ऐसा कोई आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लाइफ का? एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल प्रिंसिपल हाँ कह सकते हैं कि एक ही मोटिव है मेरा तो लाइफ का। भाई मेरा सिर्फ एक ही लाइफ का मोटिव है कि मतलब कि ऐसा हो कि मेरे को ना लोग एक आइडल माने कि यार बंदा कहाँ था और कहाँ पहुंच गया। समझ रहे हो कि जैसे पेरेंट्स को प्राउड करना है मेरे को, तो और लोग मतलब कि मतलब मसाले दे यार कि ये बंदा कहाँ से स्टार्ट किया था इसने और कहाँ पहुंच चुका है। अब वो अपर लिमिट ये अनलिमिटेड है। अब वहां तक मैं पहुंच सकता नहीं हूँ, मतलब वो ग्रोथ तो अनलिमिटेड है बिल्कुल बिल्कुल। ना। तो ऐसा मेरे को कुछ करना है लाइफ में और वो चीज नेवर एंडिंग है। तो यही मोटिवेट करती है कि जो करो उसमें 100% दो। अगर कुछ और करने का मन करता है तो उसमें भी जाओ, उसमें भी अपना 100% दो। तो ये है, तो इसलिए मैं बहुत सारी चीजें ट्राई करता रहता हूँ कि क्या पता कुछ क्लिक हो जाए बढ़िया सा। तो यही है। इस चीज में हम लोग का बहुत मैच करता है, ये मेरा भी बचपन से था कि कुछ ऐसा करना है कि पीपल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम अस, कोई भी रीजन, और ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल ओनली, मतलब इन जनरल भी लोग पहचाने। और दूसरा ये चीज की हर चीज ट्राई करना चाहिए, बिकॉज ये है ना कि हमें, हम लोग जो कर रहे हैं बस हमें तो उसके बारे में ही पता है, बट ऐसी 20 और हाँ चीजें जी, हैं जो शायद उनमें से हम लोग किसी चीज में बहुत आगे निकल जाए बट हम लोग को पता ही नहीं है, ट्राई करने से ही तो पता चलेगा। तो वो ट्राई करना चाहिए, एक चीज पे रेस्ट्रिक्ट नहीं रखना चाहिए खुद को। जैसे मैंने इस ये जर्नी के दौरान ही YouTube में ट्राई किया था। मैं मतलब सीरियस नहीं था कि मुझे YouTube में ही बहुत ज्यादा ग्रो होना है। बस मैंने एक पहली वीडियो डाली थी अनबॉक्सिंग वाली सेफ फाउंडेशन की, तो वो वर्क कर गई। तो अगर वो मैं वीडियो नहीं डालता तो शायद ये इंटरव्यू भी ना हो रहा होता। हाँ तो ऐसा है कि चीजें ना ट्राई करनी चाहिए, क्या पता कुछ चीजें चल जाएं। तो ऐसा ही है। बस ट्राई करें एंड कंसिस्टेंट भी रहे, दिस इज अ की। ऐसा नहीं कि दिस इज फॉर द ऑडियंस, कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार ही एक चीज उठाओ, 10 दिन करो उसके बाद बंद कर दो, एटलीस्ट उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम उस पर दो ताकि पता चले कि हाँ वो अच्छी लग भी रही है कि नहीं। क्योंकि ऐसे देखा जाए ना तो पिज्जा खाना भी अच्छा लगता है, लेकिन जब लगातार लगो तब गंदा वो लगता है। तो जब तक आप लंबे तक कोई चीज नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा वो आपको करना भी है या नहीं करना है। तो जो चीज एक्साइटिंग लगती है जरूरी नहीं कि वही अच्छी हो, नॉन एक्साइटिंग थिंग्स भी बहुत अच्छी होती हैं, तो ट्राई करते रहना चाहिए। नाउ यस। हाँ, हम लोग कितनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, मतलब हर क्वेश्चन के बाद एक ज्ञान निकल रहा है अंदर से। चलिए बट ठीक है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। मेरे साथ भी होता है, जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू लिया था ना, यही होता है। कोई बात नहीं, चिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं कि ऐसे कोई मतलब प्रैक्टिकल चीजें जो आपने की थी जिससे आप अपना आलस अवॉइड करते थे, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिकल चीजें। फॉर एग्जांपल मेरे केस में एक बस पॉइंट हम देंगे कि मेरे को जब नींद आती थी तो हम वॉक करने लगते थे, पढ़ते पढ़ते आलस आता था तो हम खूब वॉक करेंगे तो फिर हम एक्टिव हो जाते थे, ऐसा कुछ आप जो फॉलो करते हो? मेरे केस में क्या था, मेरे केस में मैंने ना एक मोटिवेशनल सॉन्ग्स की ना एक प्लेलिस्ट बना रखी थी। उससे बढ़िया बढ़िया गाने जो कि आपने भी सुन रखे होंगे, और मेरे एक पर्सनल फेवरेट है जो कि मैं 12th में सुना करता था। अब वो आपने नहीं सुना होगा कभी, वो कुछ था मतलब बहुत बढ़िया सा था। तो आप बहुत बता सारे सॉन्ग्स की लिस्ट नहीं शेयर। वैसे कि हाँ आप शेयर कर दीजिए क्योंकि अब बच्चे देखेंगे ना, एक उन्हें होना हाँ चाहिए। जी,
बहुत सारे सॉन्ग होते हैं, लेकिन एक मेरा पर्सनल फेवरेट था, आपने अपने इक्लिप्स नोवा का नाम सुना होगा। हाँ हाँ, इक्लिप्स नोवा ने ना एक वीडियो निकाली थी कोटा स्टूडेंट चैप्टर 10 के नाम से, आप ना सर्च करना। तो ओके उसमें ना उसने उन्होंने जो ITT की तैयारी करते हैं ना उनके लिए एक सॉन्ग निकाला था। तो वो अच्छा सॉन्ग में मतलब बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग था हाँ कि एक 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 स्टूडेंट था और उसका दोस्त था। तो दोस्त ना पढ़ाई में फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो सुसाइड कर लेता है। तो ओके उस हिसाब से फिर उसने देखा कि मेरे पेरेंट्स कितना वेट कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स कितना प्यार करते हैं मेरे को। तो और वो भी सुसाइड करने वाला होता है, पर उसको एकदम से उसका पेरेंट्स का ख्याल आता है कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है। तो उसके अराउंड एक सॉन्ग बनाया था, तो वो मैं 12th में सुनता था बहुत बार। तो वही मैं CA जर्नी के दौरान भी सुनता था, और भी बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। मैंने तो ये आपको एक बताया। तो यही है कि आलस आता है, तो एक तो आप अपने गोल्स याद करो कि आपको क्या करना लाइफ में। दूसरा, जो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन के लिए आप सॉन्ग सुन सकते हो, प्लेलिस्ट बना सकते हो, वो मैंने फोन भी खोलो बस ऑन कर दो, बस कोई ढूंढने की मैंने जरूरत ही नहीं। मैंने अपने फोन से सारे गाने डिलीट कर दिए। मैंने स्पॉटिफाई डिलीट किया। मैंने मतलब प्रिपरेशन ग्रुप टू के टाइम मैंने ऐसा किया था, स्पॉटिफाई डिलीटेड, ताकि मैं कोई भी मूवी का सॉन्ग ना सुनूं। क्योंकि मेरा मेरा ऐसा है कि कोई अगर मूवी का सॉन्ग सुनते हैं या मूवी देखते हैं तो उसके दूसरे जोन में चले वही जाते हैं। दिमाग में बैठे जाते हैं। हाँ हाँ, तो फिर मैंने डिलीट कर दिया। मैंने भजन डाउनलोड कर लिया एक दो, कि अगर मूवी के सॉन्ग से बोर हो गए तो भजन सुन लेंगे। और अदरवाइज मैंने अनस्टॉपेबल, मैंने वीडियो भी बनाई, आप चेकआउट कर सकते हो, शॉर्ट्स है, 30 गाने मैंने देखिए सजेस्ट। मैंने देखिए मैंने हाँ हाँ, जी ये फॉर दी ऑडियंस। तो उसमें मैंने बताया हुआ है 3 गानों का। ऐसे आप भी अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हो, जो भी आपको मोटिवेट करे। सबकी अपने अपने वो भी पसंद भी तो होती है, तो वो चीज मैंने भी की थी। और आपका इंस्पिरेशन या आइडल आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जिसको आप फॉलो करते हो, अदर देन सिचुएशंस? इंस्पिरेशन मतलब बहुत लोग के होते हैं, हम सिचुएशन से सीखते हैं ना। एक तो कोई इंसान होगा। इंसान मतलब जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपको। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। मेरा कोई वैसे आइडल तो मतलब ऐसे कोई ऐसा कोई आइडल है नहीं कि इसको देखकर मैं मोटिवेट होता हूँ। बट एक एक बंदा है मतलब थरुन स्पीक्स के नाम से, अगर आप देखते हो उसकी वीडियो, उसका नाम है थरुन नायर। वो ITT JEE के रिलेटेड वीडियो बनाता है, पर उसका जो कंटेंट होता है ना उसकी आप एडिटिंग देखा करो, इतनी तगड़ी एडिटिंग करता है वो। और मैं उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, वो बंदा बहुत मेहनती है। वो उस मतलब मैं उसका फैन नहीं हूँ, बट जो जिस तरीके से वो मेहनत करता है ना, वो सुबह जॉब पे जाता है, उसके बाद वो अपना कोर्स के लिए लेक्चर डालता है, अपनी वीडियो शूट करता है, एडिट करता है, और उसकी एक वीडियो एडिटिंग कंपनी है वो भी रन करता है। तो उसकी मेहनत का मैं फैन हूँ, मतलब मैं उसकी मेहनत उसके टाइप की मेहनत करना चाहता हूँ। तो वो मेरा आइडियल है बेसिकली। हाँ जी, जिस तरीके से वो काम को मैनेज करता है ना, सल्यूट है उसको। आप चेकआउट करना है उसका चैनल थरुन स्पीक्स के नाम से। हम नोट डाउन कर लेते हैं, हम जरूर चेकआउट करेंगे। थरुन स्पीक्स बहुत अच्छा अच्छी लगता है मुझे। कि आप जो रियल लाइफ में लोगों को देख रहे हो बढ़ते हुए, उनको आप फॉलो करो तो लगता भी आपको दिख रहा है उनका मेहनत। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो फिल्म स्टार्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं या जिन्होंने कर लिया उनको ही फॉलो करना चाहिए। हम लोग आसपास के भी लोगों से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, तो वो चीज अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको फ्यूचर में प्रैक्टिस करना है, जॉब करना है या बिजनेस करना है? देखो, जॉब अगर लाइफ करवा दे तो अलग बात है, बट मेरे को ना जॉब करनी है ना मेरे को प्रैक्टिस में जाना है। मेरे को कुछ खुद का काम करना है, कुछ चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड हो, चाहे मतलब CA से रिलेटेड ही हो, या फिर कुछ और भी हो सकता है। वो लाइफ का पता नहीं कि किस तरह रुख मोड़ दे। तो चाहे यूट्यूब हो चाहे खुद का बिजनेस हो, बट बिजनेस इज समथिंग विच एक्साइट्स मी। मतलब कुछ ऐसा मतलब बिजनेस में थोड़ा ना मजा आता है कि सारी चीज स्क्रैच से स्टार्ट होती है और हर चीज समझने में मेरे को मजा आता है। और उसी टाइप की नॉलेज CA मिलती है, टैक्स की नॉलेज, कैसे तुम टैक्स लेती है, EIS SM पढ़ते हैं वो तो तो उसमें इंटरेस्ट आता है। EIS किसी काम का मेरे को नहीं लगता था, वो पता नहीं क्यों पढ़ाया जाता था। नहीं, SM SM में अच्छा लगता है, ऐसे मतलब हाँ कि
एग्जाम एग्जाम के रिलेटेड नहीं, बट जिस टाइप का नॉलेज देता है ना, ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी लगती है। बिल्कुल, लर्न तो करना ही पड़ता है मार्क्स लाने के लिए। वो तो है ही, उसको हम लोग इग्नोर हाँ जी। ही। नेक्स्ट थिंग, वन थिंग यू वुड डेफिनेटली लाइक टू डू बिफोर यू डाई, दूसरे वे में पुट करें, तो अगर आपके पास अलादीन का जो चिराग या जो भी कहते हैं वो आज वो पूछे आपसे आपकी विश, तो फिर आप एक चीज मांगो जो आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे। कहते थे आप प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, मैंने सारे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज बनाई हुई हैं इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए एंड फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो चेकआउट करें और एक दो वीडियोस देखने के बाद पढ़ाई पे ध्यान दें, ना कि सिर्फ स्ट्रैटेजीज देखने पे। एंड अगर आपने शुभम के चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज चेक इट आउट, उस पे बहुत अच्छे कंटेंट आते हैं अदर देन स्टडीज भी, तो उस चीज को भी देखना चाहिए और पढ़ाई से निकल के भी आना चाहिए बाहर की दुनिया में। उसके लिए हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोटिवेट अस टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू ऑल, थैंक यू। अब आते हैं शुभम पे। मेरे को तो टाइम मशीन चाहिए है, मेरे को पास्ट में जाना है। मैं पता है क्या, मैं ना बहुत बहुत मतलब कि मेरे को ना दोबारा से ना ऐसे स्कूल लाइफ में जाना है अपने, मतलब बाहर से देखना है, मतलब मैं खुद को ही, समझ रहे हो, टाइम हाँ मशीन में जैसे होते हैं ना डोरेमोन में होती थी, अपने हाँ पास्ट में जाते थे, बिल्कुल, वैसे मेरे को ना, बट वो क्या पता हो जाए आगे आने वाले 50-100 सालों में, पर नहीं आपने बहुत मैं तो नहीं अच्छा कर आंसर पाऊंगा। दिया, जो हाँ आंसर जी। चाहिए था जिस टाइप का वैसे ही आपने आंसर किया। एक बार मैं डोरेमोन से मिल जाओ यार। हाँ, डोरेमोन, बस हाँ डोरेमोन मिल जाए फिर सब पॉसिबल हो जाएगा। फिर तो सेटल लाइफ लाइफ सेटल, वही ओके चीज आ गया अला दिन का। हाँ, उसका एनीवेयर डोर मिल जाए तो फिर दिक्कत ही क्या है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ही खत्म। वही तो, अगर आपको खाना खाना है आप रेस्टोरेंट का वो खोलो खा लो, स्कूल चले जाओ ट्रेवल एक्सपेंसेस खत्म, खाने के एक्सपेंसेस, सोना भी है तो मस्त सितारों के नीचे कहीं पहाड़ पे सो जाए। पर मेरे को एक चीज समझ नहीं आती डोरेमोन की, जब उसके पास एनीवेयर डोर है तो वो बैम्बू कॉप्टर ये क्यों यूज करता है, मेरे को आज तक समझ नहीं ये आया। मेरा भी क्वेश्चन रहता था कि अगर सच्ची एनीवेयर डोर है तो बैम्बू कॉप्टर क्यों यूज किया, या मतलब ऐसे बहुत सारे गैजेट्स थे जो रेलेवेंट लग रहे थे, मतलब बेमतलब के गैजेट्स भी दिखाए गए हैं डोरेमोन में। वही है ना, गैजेट्स बनाते वक्त ध्यान नहीं दिया होगा, जो जो आइडिया वो आ रहा है तो उस टाइप का गैजेट बना दिया। चलो बढ़िया है। बच्चों के लिए अच्छा है। और एनीवेयर डोर होने के बावजूद भी नोबिता हमेशा लेट होता है स्कूल के लिए। उस टाइम पे कार्टून्स कितने अच्छे होते थे, छोटा भीम, डोरेमोन, फिर टॉम एंड जेरी। अब तो जितने कार्टून्स आते हैं मैड, एफएक्यू, ड्रामा, थॉमस एंड फ्रेंड्स, ऑसवर्ल्ड। हाँ वो सारे बहुत मजेदार होते थे। तो हम लोग ने बच्चों वाली बातें भी कर दी, लेट्स मूव ऑन। कोई ऐसा फनी इंसिडेंट पूरे लाइफ में या आपके स्कूल टाइम में जो आप शेयर करना चाहोगे, सबसे फनी, या ऐसा इंसिडेंट जिसमें आप एम्बेरस फील हो गए हो, एम्बेरसमेंट आपको फेस करनी पड़ी हो आपकी छोटी सी गलती की वजह से, फनी हो जो हमारे लिए सुनने के लिए, वो आपके लिए नहीं हमारे लिए फनी हो। एम्बेरसमेंट हाँ, फोर्थ क्लास में मैंने सोलो डांस कंपटीशन में पार्ट लिया था। तो फोर्थ क्लास में, मतलब बहुत टाइम हो गया, कम से कम 10 साल हो गए होंगे इसको। 10 साल हो गए, हाँ 10 साल हो गए होंगे। तो 10 साल पहले क्या होता था, जिस जो भी सोलो डांस में पार्टिसिपेट करता है ना, तो उसको अपनी ना सीडी लानी पड़ती है जिसमें वो गाना होगा जिसमें तुम डांस करोगे। तो मैं सीडी में कॉपी करके ले गया सॉन्ग, और वो सॉन्ग था डेंजरस, जो जो माइकल जैक्सन का सॉन्ग है, एक डेंजरस नाम से, ठीक है, बहुत ही यूनिक सॉन्ग था। और तब तो इतना इंटरनेट था भी नहीं कि वो इजीली डाउनलोड हो जाए, वो पता नहीं मैंने कहीं से जुगाड़ करके सॉन्ग सॉन्ग मंगवाया था किसी से। तो मैं सीडी में लेके गया, सारे लोग बैठे, मैं मतलब मेरी सीडी लगाई, मैं स्टेज पे, मैंने पोजीशन ले ली अपनी पीछे मुड़ के ना, पोजीशन ले ली कि मतलब स्टार्ट हो गया ना अभी गाना, तो डांस करूँ। वो सीढ़ी चली नहीं, वो सीढ़ी चली नहीं, और मैं पूरे स्वैग में आया था स्टेज में, मतलब कि अब सॉन्ग स्टार्ट होगा तो मैं डांस करूंगा, पर वो सीढ़ी चली नहीं। और सारे लोग ऐसे, मतलब फोर्थ क्लास में देखो एम्बेरसमेंट हो जाती है बहुत ज्यादा। और अभी क्या है आपकी हॉबीज का स्टेटस अदर देन यूट्यूब, वो तो सबको पता है कि आपको अदर क्या देन यूट्यूब, लगता है। लिसनिंग लिसनिंग म्यूजिक, डांस, और
वॉचिंग सीरीज, यही सब। सीरीज मैं इतनी देखता नहीं, बट मैं सेलेक्टिव देखता हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद आती है, ट्रेलर वाइज वो देखता हूँ। सारी नहीं देखता बैठ के, कुछ ओके okay. कुछ देखता। तो आप दूसरा, बताओ ना, आपकी क्या हॉबीज है? मेरी हॉबी तो जितनी क्रिएटिव थिंग्स होती हैं सब अच्छा लगता है मेरे को करना. जितनी नई चीजें ट्राई कर ले, नए नए गेम्स, डांसिंग, सेम यार। सिंगिंग, सब कुछ मतलब ट्राई करना अच्छा लगता है. ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ भी बताओ उसमें मजा आएगा मेरे को. हाँ, एज फार एज मेरे को मतलब हम जीत भी रहे उसमें, ऐसा हो रहा है कि हम हार ही रहे. फॉर एग्जाम्पल लूडो मेरे को एकदम नहीं अच्छा, वो सबसे गंदा लूडो गेम. में हारते हो आप? नहीं, लूडो में क्या है कि एक तो इतना लंबा गेम चलता है, वही डाइस हाँ डालो, स्टेप्स चलो, पता नहीं बचपन में क्यों अच्छा लगता था, अब तो एकदम नहीं अच्छा लगता. उसके बाद कभी हार जाओ तो गंदा रिग्रेट रहता है कि आधा घंटा मैंने वेस्ट कर दिया. ये तो है, पर 4 राउंड में ज्यादा मजा आता है ना। चार बहुत राउंड में लंबा जब गेम कटती है चलता है ना। वो, 1 घंटे आराम से चल जाता है गेम. उसके बाद बीच बीच में सबकी लड़ाई कि तुमने मुझे क्यों पीटा. ये बात तो है। तो शुभम, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अबाउट योर व्यू ऑन रिलेशनशिप. व्हाट डू यू फील कि क्या स्टूडेंट्स को रिलेशनशिप में आना चाहिए, और आपको अगर अपना स्टेटस शेयर करना है आप वो भी कर सकते हो, एंड कैसे मैनेज कर सकते हो बच्चे. देखो, मैनेज करने की एडवाइस मैं तो दे नहीं सकता क्योंकि मेरी है नहीं, ठीक है। दूसरी बात, रिलेशनशिप में देखो क्या होता है ना, मतलब कि कोई ना होना चाहिए जिससे आप सारी अपनी ना प्रॉब्लम डिस्कस कर सको। कोई सपोर्ट होना चाहिए, मतलब जिससे ना आप मतलब अपनी मन की बात शेयर कर सको कि क्या क्या आपके माइंड में चल रहा है। क्योंकि अब रियलाइज हो रहा है कि होनी चाहिए कोई तो, क्योंकि जब आप अकेले बैठ के पढ़ते रहते हो ना, तो ऐसी चीजें ना थोड़ी ख्याल में आती हैं। क्योंकि ना बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि पेरेंट्स मतलब नहीं समझ सकते, बहुत सी चीजें होती हैं। तो कोई होना चाहिए जिससे हम खुल के बात कर सकें, या फिर जो हमारा मूड लाइट कर सके। अब ऐसा नहीं है कि लड़की ही होनी चाहिए, पर हाँ रिलेशनशिप देखो, अगर कोई अच्छी हो, मतलब कि जो कि आपकी वाइब की मैच हो रही है, जो जिससे आपकी वाइब मैच हो रही है, और आप देख रहे हो कि हाँ उससे मेरी बनती है, मतलब ये नहीं है कि आप उसके पीछे लगे हुए हो, पर वो ऑटोमेटिक कनेक्शन बन रहा है, आप बेस्ट फ्रेंड्स हो, ठीक है, और वो आपको समझती है, आप उसको समझते हो, तो और क्या चाहिए, है बिल्कुल. ना। कि ये नहीं है कि आपको जबरदस्ती घुसना नहीं है कि मेरे को तो रिलेशनशिप में जाना है, चलो चलते हैं, ऐसे नहीं। अगर ऑन द वे अगर कोई मिलता है ऐसा, तो वाई नॉट, और जिससे आपका करियर, आपका फोकस डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं, है ना। वो भी सामने वाला पर्सन भी समझे कि आपकी अभी प्रायोरिटी क्या है, आप कब किसी चीज टाइम दे रहे हो, वो अंडरस्टैंडिंग नेचर का होना चाहिए, तब चीजें इजी हो सकती हैं. अदरवाइज तो फिर कॉम्प्लिकेट आएंगी. तो व्यू फॉर द व्यूअर्स, अगर आपको रिलेशनशिप में आना है तो आप पार्टनर बहुत अच्छे से चूज करें, समझे कि वो आपके रियल पार्टनर है भी कि नहीं. अगर वो आपकी टाइम को नहीं समझ रहे, मतलब वो आपको नहीं समझ रहे, सिंपल. सो सिंपल सी बात ये बात उन्होंने बोली है है। जो खुद रिलेशनशिप में नहीं है. हम दोनों लोग सिंपल हाँ वाला ज्ञान आप लोग को दे रहे हैं रिलेशन. थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार ऑडियंस, अनुष्का के चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो। मैंने नोटिस किया 84% लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं किए मेरे व्यूअर्स. नहीं करते, नहीं करते, सिर्फ देख के चले जाते हैं सारे के सारे। हाँ, अभी सब्सक्राइब नेटफ्लिक्स करते के ही नहीं है। प्रीमियम ले लेते हैं लोग लोग हॉटस्टार के प्रीमियम आईपीएल देखने के लिए भी ले ले. अभी चलिए आईपीएल फ्री है, लेकिन कुछ देखने के लिए ले लेते हैं, लेकिन लोग फ्री के सब कंटेंट की वैल्यू नहीं है ना मार्केट में, फ्री वही तो. कंटेंट की वैल्यू ही नहीं है। लेकिन अभी हम लोग चार्ज करने लगते हैं अपने सेशंस के, नहीं होता अपना भी तो फिर हो जाता. प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मोटिवेट करें, शेयर सपोर्ट. करें, कमेंट करें। देखो क्या होता है ना, अगर जो बंदा स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि बनता हुआ शाहरुख किसी को पसंद नहीं आता, पर बना हुआ शाहरुख सबको पसंद आता है। तो यही है, जब वो इनिशियल स्ट्रगलिंग फेज में होता है तब कोई सपोर्ट करता नहीं, और जब बन जाता है तब बोलते हैं वाह यार कहाँ से कहाँ पहुंच गया। दिस वॉज ऑल. आई एम सो हैप्पी कि आप आए, एंड इतना अच्छा फनी सा कॉन्वर्सेशन भी हमारा हो गया. आई होप आप सबको पसंद आया होगा ये पॉडकास्ट. इन फ्यूचर हम लोग और भी पॉडकास्ट लाएंगे, शुभम को एक बार और इन्वाइट करेंगे, और फनी कॉन्वर्सेशन, एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन करेंगे. हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अब शुभम कुछ बोलेंगे. जी शुभम, साइनिंग ऑफ. हाँ तो और
तो मैं थोड़ा अपने स्टाइल में एंडिंग कर देता हूँ, जैसे मैं अब अपनी वीडियोस में करता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब अनुष्का चैनल, एंड मिलते हैं अगली वीडियो लाइक में एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक बाय यू सो मच बाय। बाय।